अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यार से कमेंट करना है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने करनी है मुकम्मल वाश। तो अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और अम्मी जाए गाय का दूध निकाल रही है। यहाँ पे गाय का दूध निकाला जा रहा है सुबह सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी आटा गूंद लेते हैं। चाची को घर से पानी वगैरह भर के अभी चलते हैं, आटा वगैरह गूंद लेते हैं। आटा जो मैंने निकाल के रख दिया, अभी तो पहले आटे का ख्याल कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी आटा वगैरह गूंद लेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह धो के आऊँगी, अम्मी रोटी बना लेगी, मैं जो ना अंदर चाय वगैरह बना लूँगी। आटा जी हमने माशाल्लाह से लिया है गूंद, अभी इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से रस जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी नाश्ता बना रही हूँ। आटा मेरी बेटी ने गूंद लिया है, तो मैं गाय का दूध निकाल रही थी क्योंकि आज ना हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। अभी जी बर्तन वगैरह लेते हैं धो, फिर जो है ना चाय वगैरह बनाते हैं। सालन गरम करके रख दिया है, तो अभी बना रहे रोटी। पता नहीं आटा गूंदा है तो नमक डाला है, रोटी खुद बन नहीं रही। अम्मी ये रबड़ वाला आटा है, कराची वाला आटा लग रहा है। हाँ ना? हाँ मुश्किल से बन रही है। हम कनिक का आटा खा रहे थे ना, ये व्हाइट वाला आटा है। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं ये चावलों का आटा तो नहीं है। नहीं ये कराची वाला आटा लग रहा है। पकेगी भी नहीं। कराची वाला आटा लग रहा है। कराची में भी आटा ऐसे होता था। जाए हाथ पे मुश्किल है। आकिफ को धुआं आ रहा है, आकिफ इधर आके बैठ जाओ। जी दूध लेके चलते हैं अबू के पास, फिर अम्मी नाश्ता बनानी पे अबू को नाश्ता वगैरह देंगे। अबू उठे दूध पी लें। अबू जी बेटा दूध पी लें। नाश्ता अम्मी बना ले, फिर लेके आती हूँ। नाश्ता नहीं बनाया क्या पहले? नाश्ता बना रही है। नाश्ता पहले ले आती हूँ। बना रही है ना पहले। मम्मी नाश्ता बन गया, अबू मांग रहे हैं। चले आलू का सालन है, अब ये ले नाश्ता बन गया। अंदर जी मैंने चाय चढ़ाई हुई है, टेम्पू को दवाई देते हैं। तो इधर ये जो
कुछ दिन पहले जो तबीयत वगैरह खराब थी, ये दवाइयाँ वगैरह मैं लेके आया था, ये आप लोगों के साथ दवाइयाँ शेयर नहीं की थी। ये दवाइयाँ जो है ना मेरी ख़त्म हो गई थी, ये देखिए 20 फरवरी मैं देखिए ये दवाइयाँ हैं और दर्द की दवाइयाँ दी थी जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से भी दर्द होता है, इधर पीछे भी दर्द होता है, तो इसमें दवाई तो है ही नहीं जिगर की, होगी नहीं है पता कोई, इसमें भी दवाइयाँ भी निकाली, दवाई नहीं है इसमें जिगर की, खाली पड़ा। तो ये मेरे जिगर की दवाई है और ये वाली जो है ना ख़त्म हो गई है। अब ये दूसरा नया डब्बा निकाला है और एक डब्बा और है गया है। मेरी तबीयत जो है ना अक्सर ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कोई साइकिल भी चला के जाता हूँ तो दिमाग वगैरह सुन हो जाता है, तो बैठ के जो है ना मैं बैठ जाता हूँ या वहीं पे जो है ना सो जाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। कल जो है ना मैंने जो है ना आटा काफ़ी दूर से उठा के लाया था तो तबीयत एकदम जो है ना डाउन हुई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आटा दिया मैंने बीवी को, एकदम अचानक जो है ना मैं गिर गया था, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ये यहाँ से, फिर मैं आपको बार बार ये बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पता नहीं ये दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं या ये है। डॉक्टर ने कहा था कि आप दवाइयाँ खाएंगे आपके अंदर ये जो है ना मसले आएंगे और आपको घबराना नहीं है, मतलब कि घबराहट तो होती है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है एकदम, कोई भी काम करना चाहो तो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, जिससे में दर्द होता है, दिमाग वगैरह भी पूरा का पूरा ये सुन्न हो जाता है। और करीब से जैसे थोड़ा धूप में निकलूँ तो मेरे सामने थोड़ी दूरी पर इंसान की शक्ल भी सही नज़र नहीं आती, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और जी नज़र आते, चेहरा साफ नहीं दिखता, कि ये नज़र आता है कि यहाँ से कोई इंसान गुजर रहा है। ये वाली चप्पल बिलाल बेटे ने दी थी तो ये अभी अरम को पहना रहे। मोजे पहने हुए, तो ये चप्पल पहना दिए। काका रुको रुको, बिलाल बेटे ने भेजी थी अरम की फुफो ने, चल के दिखाओ अरम, कर ये तरी बांध लो, खर खर कुछ नहीं होता बेटा, आप चलो चलो। से जो है ना ऊपर से हमने सारा सामान जो है ना उठा लिया है, खाली ये मोटी सी बदनी सी चीज है जो रखी हुई है यहाँ पे, और तो दूर हमारा आ गया, उसको नीचे पहले उतार ले बाल दबा के ना, दबा के ना और रखे कुछ और छोड़ दे इतना बाल भाई क्या सब। हाँ अब्बू जी उस तरफ सफाई कर रहे हैं और मैं जो है ना यहाँ पे जाले वगैरह उतार रहे, उस तरफ के जो जाले मैंने सारे उतार लिए। अब जो है ना वो वाला कोना रह गया उस कोने से जो छड़ी से उतारनी, क्योंकि उस वहां पे जाना हाथ नहीं जाएगा, यहाँ पे तो बक्से पे कहीं मिल जाए हाथ खोल के, एक दफा जहाँ हल्का हल्का सा हाथ देना। अभी चलते हैं उस तरफ, छड़ी वगैरह लेके आते हैं, छड़ी पहले के लेके आई थी बह रखी हुई। तो अभी ये किरण की रिपोर्टें हैं, देखें किरण की यहाँ रिपोर्टें पड़ी हुई है, किरण ने संभाल के बिल्कुल नहीं देखी, जो गुर्दे का इसका ऑपरेशन हुआ था किरण का, तो यहाँ पे नाम भी लिखा होगा, कहाँ पे लिखा हुआ बेटा किरण, किरण एन फयाज अहमद। ये किरण की गुर्दे की जो है ना ऑपरेशन हुआ था, उसकी रिपोर्टें हैं, टेस्ट वगैरह हैं सारे बेटा, डाल के रखो तुमने ऐसे डाला हुआ, ये फिर डॉक्टर तुम्हारी मांगेंगे रिपोर्ट, आई समझ बात। तो बेटा ये सारी रिपोर्ट जो है ना आप संभाल के रखो, ये फिर डॉक्टर दोबारा मांगते, इसमें सारे टेस्ट हुए हैं, कोई भी बीमारी हो तो फिर मजीद टेस्ट वगैरह पैसे नहीं लगाने पड़ते। तो ये कमरा जो है ना 2000
दस से जो है ना बंद था, अब 2023 चल रहा है। बीच में जो है ना मेरी अम्मी ने थोड़ा सा खोला था तो बीमार थी, यहाँ आई थी इस कमरे में सोती थी, तो अब आए थे, हमने सफाई भी किया था। अब मजीद जो है ना इसको सफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, यहाँ कच्चा है, डस्ट बहुत ज्यादा ऊपर भर जाती है। ये देखिए मेरे पास सारे डस्ट भरे हुए हैं, कच्ची मट्टी है, डस्ट भी और आग भी जलती है उसको, धुएं की वजह से। ऊपर देखिए ना क्या कंडीशन है, हां ऊपर कमरे की छत देखिए कैसी हो रही है, ऊपर दिखाओ ये देखिए, यहाँ पे आग भी जलती है, खाना भी पकता है, और एक ही कमरा है तो उसी के अंदर जो है ना सब कुछ है, किचन विचन सब कुछ इसी के अंदर बनाया हुआ है। और बाकी जो है ना पूरा कमरा नीट क्लीनिंग करके जो है ना अभी काफी देर हो रही है, तो कल जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कमरे की सफाई जो है ना, मैंने भी जारी रखी, प्रवीण भी लगी हुई है, किरण सब लोग लगे हुए हैं। जो मिट्टी जो है ना काफी ज्यादा गंद हुआ है, और मिट्टी जो खिंचवाई के अंदर डलवाई थी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अभी मैं आप लोग से चाहूंगा इजाजत, कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।